सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इशू के ऊपर जो कि है पैरामीटर इरर करके, ठीक है, जो कि आपको बीजीएमआई के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप ले लो कि आप यहाँ पर अंडर 18 हो, ठीक है। तो गाइस, आपको ये इशू गारंटी फेस करने को मिलेगा, एंड अगर आप 18 प्लस हो तो आप ये वीडियो देखे तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अंडर 18 हो तो आप क्या करते हो, आप पहले गेम लॉगिन कर लेते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर गेम लॉगिन हो जाता है, आप लॉबी में आ जाते हो, तो कैसे आपको यहाँ पर एक ऐसा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। पर उससे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप यहाँ पर अंडर 18 हो, आपको एक साल में एक बार आपको नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा अपना पेरेंट्स का। तो आप यहाँ पर ओके में क्लिक करते हो, ठीक है। ओके में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा आता है, गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम, प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर ऑफ योर पेरेंट्स और गाइडेंस। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देने का जरूरत है। तो ये मेरा एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सेंड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने उनका मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मोबाइल नंबर डाला एंड सेंड वेरिफिकेशन में क्लिक किया। तो गाइस, उसके बाद क्या होता है, उनको ऊपर यहाँ पर देख लो एक ऐसा इशू आता है, पैरामीटर इरर करके एक इशू उनको आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब यहाँ पर बीजीएमआई फर्स्ट टाइम आया था ना, तो वहाँ पर भी ये सेम इशू इनको देखने को मिला था। मतलब जितने भी सारे एडिटेड प्लेयर सबको ये सेम इशू देखने को मिला था। वो नंबर डाल के जब सेंड ओटीपी में या फिर वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं, उनका मतलब ओटीपी आता ही नहीं था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है एंड कब तक सॉल्व होगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पर जब गेम फर्स्ट टाइम आया था तो गाइस ये सर्विस इन्होंने पहले दिन से ही चालू कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ ना, जो ओटीपी वाला जो सर्विस है इन्होंने 2 महीने बाद चालू किया था। मतलब ये जो नोटिस वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ पहले से यहाँ पर आता था, बट जो ओटीपी आपको मिलता था वो 2 महीने बाद जाके ओटीपी वाला सर्विस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम फेस हुआ, बट 2 महीने बाद वो सब कुछ फिक्स हो गया था। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, अभी बिल्कुल सेम केस चल रहा है। अभी ये लोग ये जो नोटिस वाला जो सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया, बट जो ओटीपी सर्विस है, मतलब जो आप उनको आप नंबर दो के वो आपको उसी नंबर पर ओटीपी सेंड करेंगे, वो जो सर्विस है अभी तक चालू नहीं हुआ है। इन क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, अभी गेम यहाँ पर 3 महीने तक अंडर मतलब विजिलेंस में रहेगा, मतलब अंडर मतलब यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट का अंडर रहेगा, पूरा यहाँ पर गवर्नमेंट उसको नजर रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर गेम को अपना नंबर दे रहे हो, मतलब आपका जो डाटा है ना वो आप दे रहे हो, एंड यहाँ पर गेम क्या कर रहा है, आपको ओटीपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 महीने तक आपको यहाँ पर ये जो गेम का जो ओटीपी सर्विस है ये चालू नहीं होगा, क्योंकि इनको ये पता है नंबर कितना बड़ा डाटा होता है, एंड ये लोग वो डाटा रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो ये सर्विस को यहाँ पर होल्ड में रखे हैं, ठीक है। एंड मेन पॉइंट ये कि अभी 3 महीने तक आपको ये वाला सर्विस चालू नहीं होगा, 3 महीने बाद जाके ये वाला ओटीपी जो सिस्टम सर्विस है ये चालू होगा, ठीक है। ओटीपी सर्विस मतलब मान लो ये इतना नॉर्मल सर्विस नहीं है, ये बहुत मेजर सर्विस है। अगर यहाँ पर मतलब कुछ भी इधर उधर हो गया तो भाई यहाँ पर ये लोग बोलेंगे कि आपका नंबर मतलब आप मतलब कोई भी वो बोल सकते कि आपने अपना हमारा नंबर ले लिया, ठीक है, आपने हमारा डाटा ले लिया। तो यहाँ पर इसलिए कैसे यहाँ पर ये जो सर्विस है इसको इन्होंने होल्ड कर रखा है, बंद नहीं है, होल्ड करके रखा है, एंड 3 महीने तक ये होल्ड ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जाकर आप यहाँ पर ओटीपी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसके बाद जाकर आपको यहाँ पर जब सेंड वेरिफिकेशन में क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसके बाद जाकर ये प्रॉब्लम जाकर सॉल्व होगा, ठीक है। इसका अभी और कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सर्विस खुद बीजीएमआई या फिर कैप्टन तरह से ही होल्ड कर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई मतलब ओबीवी फाइल में कोई छेड़खानी मत करना या फिर कोई वीपीएन वगैरह मत लगाना, क्योंकि ये जो सर्विस है ये होल्ड पे है अभी, ठीक है। तो वैसे इधर पर वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ पर नॉलेज मिला होगा। आई नो थोड़ा बैड न्यूज़ था, बट जो भी न्यूज़ था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसका और कोई ट्रिक नहीं है और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो इधर पर वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से रहना, सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।